अन्वेषा क्रिएटिविटी के सभी दर्शकों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज है फरवरी की 14 तारीख यानी कि वैलेंटाइंस डे, तो मेरे सभी दर्शकों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी दूसरी बैल्कनी का ओवरव्यू फरवरी का, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि मैं फरवरी का या फिर अपनी बैल्कनी का टूर कराऊं, तो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं कराया है, तो सोचा चलिए आज करा देती हूं। आप सबकी डिमांड पर हाजिर है मेरी नई बैल्कनी का टूर, नई बैल्कनी तो नहीं, दूसरी वाली बैल्कनी का टूर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने इस क्लांचू के प्लांट के साथ में। आप देख सकते हैं दूसरी बैल्कनी में जो क्लांचू का प्लांट मैंने लगाया था, ये मेरा कटिंग से ही लगाया था क्योंकि मैंने कहीं से कटिंग ली थी और यहाँ लगाने के बाद में पिछले साल जो छोटे छोटे डब्बों में लगाया था ना, वही कटिंग मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दी थी। और अभी ये देखिए कितनी सारी बड्स बनी हुई है, इसके ऊपर फूल आने शुरू होने वाले हैं और बहुत अच्छा लगेगा, ये पूरा गुच्छों में भर जाता है। इसके बाद में दूसरा प्लांट है ये मेरा बेली डेजी का, और इसमें ये देखिए फूल खिलने शुरू हो गए। इसकी केयर के बारे में मैंने आपके साथ में ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं लगाया तो अगली सर्दियों में आप इसको ज़रूर लगाएं, अभी भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है पर बहुत सुंदर फूल देता है। ये देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल दानेदार जैसा लग रहा है ना, कितना सुंदर छोटे छोटे से फूल आते हैं, भर जाता है इसका वो आपने गमला जो भी लगाया है वो। और इसके बाद में ये है मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल देने वाला पौधा अलायसम, इस पर बहुत ही नन्हे 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 छोटे छोटे से फूल आते हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं अलायसम का ढेरों फूल आए हुए, और बहुत जल्दी गमले को कवर कर लेता है। इसके ऊपर केयर का वीडियो मैं अलग से आपके साथ में शेयर करूँगी। इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट फूलों वाला पौधा है वो ये है, आप देख सकते हैं नेस्टेशियम का पौधा है और इसके ऊपर रेड कलर के फूल है, और इसकी खासियत दिखाऊं फूलों की, ये देखिए फूलों की ये इस तरीके से पूंछ जैसे ही निकलती है और ये इसकी डंडी है। इसके बाद में आ गए मेरे जेरेनियम के, ये रेड कलर का जेरेनियम का मेरा पौधा है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे और गुच्छों में फूल देता है। देखिए इसकी इतनी सारी कलियाँ ये नीचे भी बन रही हैं और यहाँ पर भी इसकी जो कलियाँ हैं वो दिख रही हैं, है ना, इसमें भी फूल आने वाले हैं और इसमें से बड़ी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद में एक और है ये मेरा नेस्टेशियम का फूलों वाला पौधा, जो कि काफ़ी सारे फूल इसके ऊपर आ रहे हैं और इस वाले नेस्टेशियम की पत्तियाँ और वो वाला दूसरा जो नेस्टेशियम है उसकी पत्तियों में बहुत फ़र्क है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर की पत्तियाँ हैं। और ये आ गया मेरा पिटूनिया, पिटूनिया के ऊपर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आज मैंने इधर वाले पौधों की केयर नहीं की, इसीलिए ये ऐसे हो रहा है। अब जो भी फूल सूख जाते हैं ना, मुरझा जाते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, तोड़ते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये जो तोड़ दिया है ना, इससे क्या होता है कि हमारे फूल जो हैं वो नए फूल उगने में मदद होती रहती है। इसके बाद में आ गई मेरी मनी प्लांट, तो मनी प्लांट की कटिंग अगर अभी नहीं लगाई है आपने तो इस टाइम पर लगा लीजिए, बहुत अच्छी मनी प्लांट की कटिंग इस टाइम चलेगी और किस तरीके से लगाएंगे वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। तो अब बात करती हूँ मैं इस साइड से, ये मेरा कप में लगाया हुआ था अजवाइन का पौधा और बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस टाइप का हो गया है, इसके पत्ते सारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो इसके थोड़ी थोड़ी सी कट लगा दूंगी मैं, यहाँ से तोड़ दूंगी तो ये फिर नई यहाँ से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से ये नए शुरू हो गए हैं। इसके बाद में ये आ गया है वर्बीना का पौधा मेरा, ये रेड कलर के वर्बीना का फूल देता है, आज सुबह मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ा था, जल्दबाजी में होता है ना सुबह सुबह का टाइम, तो इस वाले पौधों को मतलब इधर के कुछ पौधों को मैंने केयर कर दिया था, कुछ पौधों की नहीं की थी, तो बस इसमें अभी पानी देना है, थोड़ी सी गुड़ाई करनी है और ये रेड कलर के फूल देता है, बड्स तो तैयार हो गई हैं, फूल इसमें निकलने बाकी हैं। उसके बाद में ये आ गया पेंजी, और आप देख सकते हैं इधर हवा इतनी चल रही है बहुत ज़्यादा, ये पर्पल कलर का पेंजी है, मेरे पास इस कलर का पेंजी पहले नहीं था तो इस बार सर्दी में मैंने ये पर्पल कलर का पेंजी लगाया है, बहुत ही सुंदर बड़े बड़े फूलों वाला है। इसी में का एक छोटा भी आता है वो वॉयला होता है, वो भी इस टाइप के फूल देता है। इसके बाद में ये आ गया गजानिया, ये है पर्पल जैसा कलर का गजानिया है,
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गजानिया का फूल इसमें आता है, और एक ये है वर्बीना का पौधा। देखिए है ना कितना सुंदर सा वर्बीना का, बिल्कुल मरूनिश पर्पल टाइप के कैसा कलर है ये, बहुत ही सुंदर कलर है ये, तो मुझे बहुत पसंद आता है। अभी भी अगर आप लगाएंगे तो ये भी अप्रैल मई मई तक इसमें फ्लावरिंग होती है, और इस टाइप से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, और आप देख सकते हैं कितनी सारी बड्स बनी हुई हैं इसके ऊपर। और इसके बाद में ये भी मेरा गजानिया का है, इसमें सुबह फूल सूख गए थे, दो तीन दिन पहले कई सारे फूल निकले थे तो मैंने सुबह में तोड़ दिए थे इसके फूल। और एक ये है गजानिया का, ये देखिए ऑरेंजिश कलर के गजानिया हैं निकल रहे हैं इसमें, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। और उसके बाद में एक ये आ गया पिटूनिया, पिटूनिया में रेड कलर का पिटूनिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और बहुत सारे फूल खिले हुए थे अभी कुछ दिन पहले तक, फिर अब क्या होता है ना जैसे एक साथ में काफ़ी सारे फूल खिलते हैं फिर उसके बाद में वो निकलते जाते हैं, तो इन सभी पौधों जब सूख जाते हैं तो मैं तोड़ती रहती हूँ, तो तोड़ने के बाद में कुछ दिनों के बाद में दोबारा से ये फूल जो होते हैं प्रोड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वही है कि इसकी पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे ना करें, दूसरी चीज़ ये कि इसको धूप में जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। आप देखिए ये वाला पिटूनिया में मेरी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, छोटे से पॉट में भी लगाओगे ना आप तो बहुत अच्छे से चलता है, हैंगिंग बास्केट में भी लगाओगे तभी भी बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है वो चलता है। तो ये मेरे आ गए फ्लावर वाले प्लांट, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं ये मैंने इस साइड में रखे हैं ऊपर के साइड में, क्योंकि इनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है इसीलिए। हालांकि देखिए इस वाली बैल्कनी में मेरी धूप आती है थोड़ी देर की, थोड़ी देर की मतलब 2 से 2.5 घंटे की धूप आती है, लेकिन आती है 1-1.5 बजे के बाद में, तो अभी भी इतनी नहीं आई है धूप आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये आ गया देखिए मेरा कितना सुंदर फूलों वाला डायंथस का पौधा है, ये 2 कलर के डायंथस के पौधे मैंने लगाए हैं इसी एक के बास्केट के अंदर, हैंगिंग बास्केट में, एक ये मैजेंटा और एक ये पिंक कलर का। और कोई फ्रेंड पूछ रहा था मुझसे कि क्या पर्पल हार्ट की मैं अपडेट दूं, तो ये देखिए पर्पल हार्ट मेरा सर्दी की वजह से ऐसा हो रखा था, मैंने आज सुबह में इसकी कटिंग की थी थोड़ी सी, ये देखिए जो सूखे सूखे पत्ते थे वो मैंने निकाल दिए, इसको मुझे अभी इसके साथ में कुछ करना है काम, तो खाद वगैरह देनी है, तो जो दूसरी वाले बैल्कनी है उसके थोड़े से पौधे मैं कर चुकी हूँ, और इधर वाले काफ़ी सारे पौधे मेरे रहते हैं जिसमें अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। और ये मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है कि अगर इसमें पौधों में अगर आप थोड़ी सी देखभाल कर देंगे तो गर्मियों के सीज़न में आपके पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। इसके बाद में आ जाता है ये साल्विया, साल्विया का पौधा आप देख सकते हैं रेड कलर के फूल है, मैंने पिछले साल भी लगाया था और इस साल फिर से लगाया है। अब अगर मैं इधर से बात करूं तो ये है मेरा एलोवेरा, अब जैसे धूप चाहिए इसको थोड़ी सी, विंटर में तो इसको अगर आप धूप में रखेंगे तो ये अच्छे से चलेगा, तो क्या होता है ना इसको धूप कम मिल रही है जिसकी वजह से ये पौधा मेरा इस तरीके का हो गया है। इसके बाद में ये आ गया मेरा सुख शांति का पौधा, विंटर में ये अपने पत्तों का कलर चेंज करता है, ये पीले जैसे हो जाते हैं, अब चूँकि बाहर का मौसम आ रहा है ना तो धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा हरा हो रहा है, इसको मैं क्या करूँगी पौधे को थोड़ी सी प्रूनिंग वगैरह करके इसमें खाद वगैरह देनी है, और कुछ और भी काम करना है सभी पौधों में जो कि मैं जब करूँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। और हाँ गुलाब, गुलाब की अगर मैं बात करूँ आपके साथ में तो गुलाब में इस टाइम बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, आप गुलाब की कटिंग लगाइए है, ये इतनी चौड़ी जो कटिंग होती है ना 5-6 इंच की कटिंग जो होती है मोटी, वो आप लगाइए तो बहुत जल्दी होगी। और देखिए ये वाले मेरे नए ग्रोथ भी इसमें दिख रही है आपको, ये नए शूट्स निकल रहे हैं, तो इस टाइम पर ना बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, तो आप अपने गुलाब की अगर कटिंग नहीं लगाई है तो लगा लीजिए, गुलाब में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो गुलाब का बहुत ज़रूरी काम है जो कि हमें अभी करना है, वो मैं जब करूँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ में। इसके बाद में आ गया ये मेरा बोट लिली, बोट लिली में देखिए कितने सारे फूल से निकल रखे हैं, ये इसके नए पत्ते बनेंगे। और दूसरा गुलाब ये है, दूसरे गुलाब में भी कुछ काम करना है, आप देखिए हालांकि नई ग्रोथ शुरू हो गई है लेकिन इस टाइम पर अगर इसको ठीक से शेप दे देंगे ना तो ये अपने शेप में ही फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद में आ गया ये बोगनविला, बोगनविला में बहुत सारी फ्लावरिंग की पूरी सर्दियों, मैंने कल परसों में कट कर दिया था, बस एक यही फूलों वाला गुच्छा रह गया था, तो ये वाला इसमें भी फ्लावरिंग हुई है और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और ये देख रहे हैं आप ये दोबारा से नए सिरे से फ्लावरिंग के लिए तैयार है, अब इसमें खाद वगैरह देनी है मुझे। इसके बाद में आ गया है ये वाला ड्रेसीना का मेरा पौधा, और ड्रेसीना को ये वाले को तो मैंने इस मदर प्लांट में से निकाला था, आप देख सकते हैं
ये इस वाले प्लांट में से मैंने निकाला था। अच्छा ये आ गया मेरा शफलेरा का पौधा। शफलेरा बहुत पुराना पौधा है ये, इसको अम्ब्रेला ट्री भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है अम्ब्रेला ट्री यानी शफलेरा। तो ये अब इस टाइम पे ये होता है ना कि जितने भी पुराने पौधे हैं अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस टाइम बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है ना। और उसके बाद में आ गया मेरा थूजा यानी कि मोर पंखी। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, इस बार सर्दियों में मेरा एक पौधा ख़राब हो गया जो कि 2 साल पुराना था और मुझे काफ़ी दुख हुआ, और वो भी सिर्फ 2 से 3 दिन की लापरवाही की वजह से। लापरवाही भी क्या कहूँ, टाइम नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से मैं नहीं देखभाल कर पाई। ये है मेरा कोलियस का प्लांट। और ये क्योंकि जिस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस टाइम पर इसको बिल्कुल शेड में शिफ्ट करना था और मैं इस वाले पौधे को नहीं शेड में शिफ्ट कर पाई, जिसकी वजह से मेरे पौधे की पत्तियां सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही सारी पत्तियां झड़ गई और कीड़ा भी लगा हुआ था इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से ये पत्तियां सारी झड़ गई हैं। तो एक तरीका तो ये है इसको बचाने का, गर्मियों में तो वैसे रुकता नहीं है क्योंकि सीजनल प्लांट है, लेकिन अगर मैं इसकी ऊपर ऊपर से सारी प्रूनिंग कर दूंगी तो ये नए सिरे से शुरू हो जाएगा। इसको खाद वगैरह भी देनी है। और ये देखिए ये मैंने लगाई है गुलदाउदी की कटिंग, चल गई है थोड़ी थोड़ी सी, अभी इसको धूप में शिफ्ट करना है, अभी धूप में रखती हूँ इसको। तो बस यही थी मेरी छोटी सी बैल्कनी जिसके मैंने आपके साथ में टूर शेयर किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।